मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोकेश मांडू चैनल से ताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज कार्यक्रम। सरकारी एसडीएम और एमएलए मौजूद, फिर भी हो गया फ्रॉड। मामला अयोध्या जनपद का है, जहां रोजगार के नाम पर न सिर्फ पैसे ऐंठे गए बल्कि ज्वाइनिंग के लिए पहुंचने पर कंपनी ही गायब मिली। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय द्वारा आयोजित रोजगार मेले में युवक के साथ फ्रॉड हो गया। तथा कथित कंपनी द्वारा सेलेक्ट होने व विधायक के हाथ से नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अयोध्या के रुदौली विशाल सोनी बेहतर जिंदगी के सपने बुन रहा था, पर उसे क्या पता था कि उसके साथ धोखा हो गया है। तथा कथित कंपनी ने न सिर्फ उससे 8200 रुपए ठग लिए बल्कि ज्वाइनिंग वाले पते पर भी पहुंचे युवक को कंपनी का नामो निशान तक नहीं मिला। पीड़ित विशाल सोनी ने बताया कि क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय द्वारा 21 जून को तहसील परिसर रुदौली में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने 102 बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र दिया था। इनमें वो भी शामिल था। उसे मैनकाइंड हेल्थ केयर सर्विसेज नाम की कथित कंपनी का नियुक्ति पत्र मिला था। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद शुरू हुआ खेल। इस कंपनी के द्वारा ट्रेनिंग के नाम पर 3200 रुपए व ड्रेस तथा अन्य चीजों के नाम पर 5000 रुपए वसूले गए। जब ज्वाइनिंग के लिए बताए गए पते पर वो पहुंचा तो वहां उस नाम की कोई कंपनी थी ही नहीं। इस बात की शिकायत उसने संबंधित अधिकारियों से की। इस मामले के सामने आने के बाद अधिकारी भी सकते में हैं और जांच की बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब भी रोजगार मेला आयोजित किया जाता है तो विभिन्न कंपनियों को क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय द्वारा आमंत्रित किया जाता है। इस कार्यक्रम में भी इसी विभाग द्वारा कंपनियों को बुलाया गया था, फिर इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो गया? इस बात का जवाब अधिकारियों को देना चाहिए। एसडीएम ने शुरू कराई जांच। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी अंशुमान सिंह भी मौजूद थे। बेरोजगार युवक की शिकायत के बाद उन्होंने मामले की जांच रुदौली थाने के एसएचओ को सौंपी है। उधर सहायक निदेशक सेवा योजन पद्मवीर कृष्ण ने बताया कि तहसील रुदौली में रोजगार मेले का आयोजन हुआ था, जिसमें भाजपा विधायक रामचंद्र यादव मुख्य अतिथि थे। मेले में लगातार ध्वनि यंत्रों से प्रसारित किया जा रहा था, किसी भी कंपनी को कोई भी धनराशि नहीं देना है। इसके बाद भी युवक ना जाने कैसे उनके चंगुल में फंस गया। हालांकि रोजगार मेले में फर्जी कंपनी के शामिल होने के संबंध में कोई बयान सामने नहीं आया है।